लक्सर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के दिशा निर्देश में लक्सर पुलिस खानपुर व पथरी पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ मामला पंजीकृत कर दिए गए हैं। लक्सर पुलिस ने 48 लीटर कच्ची शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पथरी पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने की भट्टी और 10 लीटर लहन के साथ 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। खानपुर पुलिस ने 20 लीटर अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी को जेल भेज दिया गया है। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है, यह विशेष अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के दिशा निर्देशन में चलाया गया और इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। नशे का कारोबार करने वाले लोगों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। इस अवैध शराब के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है, उसमें जो है कल जो है थाना पथरी पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वो भट्टी चला रहा था शराब की और 10 लीटर लहन बरामद हुआ है। और उसी तरह से जो है थाना लक्सर वालों ने 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। एक भट्टी पकड़ी गई है और उसमें करीब 48 लीटर शराब जो है रिकवर हुई है। और खानपुर पुलिस ने भी 2 आरोपियों 2 मामलों में जो है 20 लीटर शराब जो है रिकवर किए है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर।